हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील से कई गंभीर सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने माफिया ब्रदर्स की अस्पताल में परेड को लेकर भी सवाल उठाए हैं। अतीक अशरफ मर्डर केस में सुप्रीम सवाल। सुप्रीम कोर्ट का माफिया ब्रदर्स की परेड पर सवाल। यूपी सरकार ने रखा अपना पक्ष। माफिया डॉन अतीक और अशरफ हत्याकांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे, जिसका जवाब यूपी सरकार की ओर से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने सवाल उठाते हुए कहा कि पूरा हत्याकांड हमने टीवी पर देखा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अतीक अशरफ को एम्बुलेंस में मेडिकल के लिए क्यों नहीं ले जाया गया, जिसका जवाब वकील मुकुल रोहतगी ने दिया। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के कारण हर दो दिन में आरोपी को मेडिकल के लिए ले जाना था। हमलावर 3 दिन से जा रहे थे। फिर कोर्ट ने पूछा उन्हें पैदल चलवाकर इधर उधर परेड क्यों करवाई गई, जिस पर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये दूरी बहुत कम थी। अतीक अशरफ हत्याकांड जिस तरह देश और दुनिया ने लाइव टीवी पर देखा, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने भी देखा। ये वाली बात आज सुप्रीम कोर्ट में खुद जस्टिस ने बोली, जब एडवोकेट विशाल तिवारी ने इस मामले में याचिका लगाई कि यूपी में जो 183 एनकाउंटर हुए उनकी जांच की जाए, उनके साथ साथ अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच की जाए। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल थी, जिस पर आज सुनवाई हुई, और सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल भी उठाए। डबल बेंच थी, सीधे तौर पर कहा गया कि आखिर जो आरोपी थे उनको आप एम्बुलेंस में नहीं लाया गया, आरोपी और दोषी कहें उनको एम्बुलेंस में क्यों नहीं अस्पताल ले जाया गया, उनकी परेड कराने की जरूरत क्या थी, और अगर जो हत्यारे थे वो फोटोग्राफर कैमरा पर्सन के भेष में आए थे तो उन्हें कैसे पता था कि अतीक और अशरफ को अस्पताल लाया जा रहा है। इसके अलावा वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमने इस हत्याकांड की जांच के लिए कमीशन गठित की है, SIT भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, कोर्ट के नोटिस जारी किए जाने की जरूरत नहीं है, हम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड पेश करेंगे। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर पर भी जवाब मांगा। इस दौरान याचिकाकर्ता और वकील मुकुल रोहतगी के बीच सवालों और जवाबों का दौर चला। याचिकाकर्ता के मुताबिक वकील मुकुल रोहतगी कोर्ट में कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाए। खुद भी कोर्ट द्वारा यही कहा गया, मैं वही बात कह रहा हूँ कि कोर्ट द्वारा क्वेश्चन रेज किए गए, क्वेश्चन मार्क लगाया स्टेट गवर्नमेंट पे, और ये एक सबसे बड़ी नेग्लिजेंस सब जगह जो है वो निकल के आ रही है कि ओपन परेड क्यों कराई गई। तो इसको लेकर राज्य सरकार का कोई स्पेसिफिक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं था, और उनको अब एफिडेविट फाइल करना है सारे इंसिडेंट्स को लेकर, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, किन परिस्थिति में हुए, क्या इन्वेस्टिगेशन की, क्या पैनल फॉर्म हुए हैं, और अब तक कहां उनकी प्रोग्रेस पहुंची है। फिलहाल अब इस मामले में यूपी सरकार से आने वाले 3 हफ्तों में एफिडेविट फाइल करने को कोर्ट ने कहा है। सरकार को एफिडेविट में बताना होगा कि इस घटना के बाद यूपी सरकार ने क्या कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर पर भी जवाब रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। अब इस मामले में 3 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी। टीम न्यूज़ स्टेट।